हेलो स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर नंबर 10 गुलाम रसूल चौधरी से। तो पिछले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो कॉमन मेथड थे कि उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता था वो देखा था। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जिससे सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाते हैं, और फिर हम देखेंगे कौन से मेथड्स हैं जिससे सिर्फ कीटोन्स बनते हैं। दोनों को अलग अलग देखेंगे, एल्डिहाइड के लिए जो स्पेसिफाई हैं वो मेथड्स, और जो कीटोन्स के लिए स्पेसिफाई हैं वो मेथड। उसमें फर्स्ट वन जो आता है वो आपके पास आता है रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, के आप एसिड क्लोराइड लें उसकी आप रिडक्शन करवाएं तो उससे आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। और ये हमें जब एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करवाते हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन जो हम करते हैं वो आपके पास पार्शली हाइड्रोजिनेशन करते हैं, यानी कि जिसको हम कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन कह सकते हैं कि हम एसिड क्लोराइड की अगर कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करें विद अ कैटलिस्ट तो हमारे पास जो होता है वो एल्डिहाइड जो होते हैं बन जाते हैं। और अगर हम फुली हाइड्रोजनेशन करवा दें तो उससे हमारे पास जो होते हैं वो अल्कोहल्स बनने के चांसेस होते हैं। हमें अल्कोहल नहीं बनाना, हमें एल्डिहाइड तक रुकना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल हाइड्रोजनेशन जो होती है वो करवानी है। अब रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं, हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल को कहते हैं, तो तकरीबन मीनिंग सेम आता है। तो फर्स्ट मेथड आता है रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की अगर हम कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करवाएं विद प्लाडियम स्पॉटेड ओवर BaSO4 एंड पॉइजन बाई क्विनोलिन, तो हमें क्या होता है कि हमें एल्डिहाइड जो होता है मिल जाता है। एसिड क्लोराइड का हमें पता है RC डबल बॉन्ड और CL को कहते हैं, इसकी हमने हाइड्रोजिनेशन करवानी है, इनके प्लस H2 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास क्या होता है कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक CL दोनों मिलकर बना देते हैं HCl, और साथ आपके पास जो प्रोडक्ट आपको जो मिलती है वो मिलती है जी RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जो एक H बचा होता है वो CL की जगह के ऊपर आगे लग जाता है और आपको जो होता है वो एल्डिहाइड जो होता है वो मिल जाता है। यहाँ से एक H इसके साथ आगे लग जाएगा तो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन जो होती है वो हो जाती है। ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ही प्रोसेस किया जाता है। इस रिएक्शन को हम रोजनमर्ड रिएक्शन भी कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में सिर्फ रोजनमर्ड भी बाजवा लिखा आ जाता है कि प्रिपेयर एल्डिहाइड बाई यूजिंग रोजनमर्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये फर्स्ट मेथड आता है। इसमें दो तीन बातें हम जिक्र कर लेते हैं कि एक तो इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्लाडियम क्योंकि ये हाइड्रोजन भी गैस है, एसिड क्लोराइड भी गैस है, प्लाडियम की सरफेस के ऊपर बेसिकली रिएक्शन हो रहा होता है, इसलिए हम जो है ना प्लाडियम को इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट। लेकिन प्लाडियम के साथ ना BaSO4 को भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर BaSO4 को इस्तेमाल नहीं करते तो प्लाडियम जो एसिड क्लोराइड की हाइड्रोजनेशन कंप्लीट कर देगा, फुली हाइड्रोजनेशन कर देगा, इससे एल्डिहाइड जो होता है वो कीटोन्स में अल्कोहल में बनने के चांसेस होते हैं। जैसे ये एल्डिहाइड बन गया, अब अगर ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता, आगे जाएगा तो यहाँ पे एक और H लग सकता है, तो अल्कोहल बन सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए कि अल्कोहल ना बने, हम BaSO4 को इस्तेमाल करते हैं। प्लाडियम के ऊपर इसको सपोर्ट किया होता है और इसको बेसिकली डीएक्टिवेट किया होता है, क्विनोलिन को ऐड करके इसको डीएक्टिवेट किया जाता है ताकि रिएक्शन आपका यहीं तक ही रुक जाए। इसके बाद एक और रिएक्शन लिखा हुआ है कि हम इसी से ही हम सिर्फ एल्डिहाइड नहीं बना सकते। अगर हम एसिड क्लोराइड लें और एसिड क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम टर्शरी ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH, और क्वेश्चन में आगे ब्रैकेट में लिखा OCCH3 थ्राइस और बेस फिगर फिर 3 लिखा हुआ है, ये कंप्लीट फार्मूला है। इसके साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ से एक Li और यहाँ से एक Cl दोनों मिलकर आपके पास LiCl बना देते हैं, और जैसे Cl यहाँ से निकलता है फ़ौरन एक H इस Cl की जगह के ऊपर आके लग जाएगा, तो रिजल्ट में आपके पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ से ये H, तो एल्डिहाइड बन जाता है। और पीछे क्या बच गया है, पीछे ये Al OCCH3 थ्राइस और बेस के ऊपर 3 लिखा हुआ, इनके ये वाला कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है। तो ये फर्स्ट मेथड आता है कि एल्डिहाइड को हम कैसे बना सकते हैं। ये रोजनमर्ड रिडक्शन कहलाता है, लेकिन ये इस तरीके से भी एल्डिहाइड को बना सकते हैं। अब आता है सेकंड, दैट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, कि नाइट्राइल्स की अगर रिडक्शन करवाते हैं तो उससे भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। अब नाइट्राइल्स की जो रिडक्शन होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाइट्राइल्स क्या होते हैं। नाइट्राइल्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें C(NN) प्रेजेंट होता है। C(NN) प्रेजेंट होता है ना, उसको नाइट्राइल्स कहते हैं, और इसके साथ यहाँ पे कोई R ग्रुप लग सकता है, तो ये नाइट्राइल्स होते हैं। हम इसकी ना रिडक्शन करवाएंगे, रिडक्शन के रिजल्ट में आपको एल्डिहाइड मिल सकता है। जैसे ये आपके पास है जी, ये आपके पास जो कंपाउंड है ये आपके पास नाइट्राइल्स है, ये वाला, इसकी हमने रिडक्शन करवानी, इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो उससे हमें जो होता है वो आपके पास क्या होता है, एल्डिहाइड बनेगा। अब हम क्या करते हैं, नाइट्राइल्स को ट्रीट करवाया जाता है SnCl2 के साथ और HCl के साथ। हम ये कहते हैं नाइट्राइल्स ऑन ट्रीटमेंट विद स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड HCl गिव एल्डिहाइड नाउन एज स्टीफन रिएक्शन, कि हम नाइट्राइल्स को HCl और SnCl2 के साथ ट्रीट करवाएं, उससे हमें एल्डिहाइड मिलता है, और ऐसे एल्डिहाइड को हम स्टीफन रिएक्शन जो होते हैं वो का नाम दिया जाता है।
अब रिएक्शन देख लेते हैं, ये नाइट्राइल सा HCl और SnCO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड ये बनता है। ये कैसे बनता है इसको थोड़ा सा अगर हम मैकेनिज्म देखें, एक्सप्लेन से थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। बच्चे ये लेक्चर मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो इसलिए मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, टाइम कम है तो इसलिए मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से आपने देखना है। तो HCl और SnCl2 का जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले HCl और SnCl2 आपस में रिएक्ट करते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं HCl और SnCl2 और ये मिलकर हमें दे देते हैं SnCl4, साथ यहाँ पे 2H पॉजिटिव बनता है और साथ हमें दो इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं। ये जो 2H पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका बड़ा अहम रोल होता है। ये क्या करते हैं, ये इस नाइट्राइल के साथ आके रिएक्ट करते हैं तो एक हाइड्रोजन इस N के साथ लग जाता है, एक हाइड्रोजन इस H के कार्बन के साथ लग जाता है और यहाँ से एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है। रिजल्ट में आपका ये वाला कंपाउंड मिल जाता है, RC1H इधर लग गया, डबल बॉन्ड और NH लग गया। फिर हम इसकी करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसका H2O के साथ एक्शन करवाया जाता है। जब इसका H2O के साथ एक्शन करवाया जाता है तो यहाँ से ये जो NH होता है कंप्लीट ये वाला और ये H2, ये दोनों मिलकर NH3 बना देते हैं और ये जो ऑक्सीजन होती है इस NH की जगह के ऊपर लग जाती है, तो ये आपके पास रिजल्ट में ये वाला एल्डिहाइड जो होता है वो बन जाता है। दिस इज़ द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, या इसको हम स्टीफन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। ये पहले मैंने पढ़ाया था लेकिन वो बिकॉज रिकॉर्ड नहीं हो सका तो इसलिए इसके कुछ लाइंस लगी हुई हैं वो आपको पहले क्योंकि पढ़ा रहा था तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी तो इसको दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब आते हैं हम थर्ड के ऊपर, थर्ड आता है जी हाइड्रो, हेडिंग के ऊपर गौर करना है, हाइड्रोफार्माइलेशन ऑफ अल्कीन, कि आपने अल्कीन लेना है उसकी हाइड्रोफार्माइलेशन करनी है। हाइड्रोफार्माइलेशन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फार्माइल ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोफार्माइलेशन। H को ऐड करें और फार्माइल ग्रुप को ऐड करें, फार्माइल ग्रुप हम बेसिकली कहते हैं CHO को, CHO ग्रुप इज कॉल्ड फार्माइल ग्रुप। अगर हम अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दें और फार्माइल ग्रुप को ऐड कर दें तो उसकी हाइड्रोफार्माइलेशन हो जाएगी, रिजल्ट में एल्डिहाइड बन जाता है। देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। ये है जी आपके पास प्रोपीन, इस प्रोपीन का हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर गैस के साथ। वाटर गैस क्या होती है, वाटर गैस बेसिकली कहते हैं CO और H2 के मिक्सर को, ये वाटर गैस कहलाती है। इसके साथ इसका ट्रीट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है HCO CO tetra, ये टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट होता है, उसके साथ इसको ट्रीट किया जाता है। 200 PSI प्रेशर होता है और 150 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। इस कंडीशन के ऊपर इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और आपको एल्डिहाइड मिलती है। रिएक्शन कैसे होता है, ये जो CO प्लस H2 होते हैं ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमें दे देते हैं जी HCHO, ये हमें ग्रुप मिल जाता है HCHO में मिल जाता है। फिर ये जो HCHO होता है ना वो इस अल्कीन के अंदर ऐड एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनीज रूल। एंटी मार्कोनीज रूल का हमें पता है कि एंटी मार्कोनीज रूल क्या होता था, कि आपके पास पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद कम होती है, पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ये आपके पास जो CHO है ये पूरा नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, ये आपका जो H पॉजिटिव होगा ना ये आपके पास जाता है जी इस CH के पास, और जो ये CH2 होता है ना ये जाता है CHO होता है CH2 के पास जाता है। तो रिजल्ट में क्या बन जाएगा, CH3, ये CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 आ जाएगा और CHO इसके साथ आके लग जाएगा, आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन जो होती है वो हो जाती है। लेकिन साथ आपके पास एक माइनर प्रोडक्ट और भी बनती है, वो भी एल्डिहाइड ही होती है। वो कैसे माइनर प्रोडक्ट कैसे बनती है, कि हो सकता है कि एंटी मार्कोनीज रूल के मुताबिक एडिशन ना हो, आपके पास जो एक H होता है वो इस कार्बन के साथ आके लग जाए, CHO यहाँ पे लगे और एक H इसके साथ लग जाए, CH3 बन जाए, CH3 फिर ये CH3 बन जाए, फिर CH और CHO की मदद से ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट की भी बनती है। अब हम आते हैं अगले जो मेथड आते हैं वो एल्डिहाइड के ऐसे मेथड्स हैं जिसमें जो हमें एल्डिहाइड मिलता है वो एल्डिहाइड वो होते हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की मदद से, एरोमेटिक एल्डिहाइड को अगर हमें प्रिपेयर करना होता तो उसके अब हम मेथड्स देखते हैं वो कौन से होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO ग्रुप लग जाए, फॉर्मल ग्रुप लग जाए तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। उसमें फोर्थ मेथड आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ जर्मिनल डाइहैलाइड, कि आप जर्मिनल डाइहैलाइड ले लें उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में मिल जाएगा, लेकिन जर्मिनल डाइहैलाइड हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, इसको पहले बनाना पड़ता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टोलीन को ले लेते हैं या कोई भी अल्काइल बेंजीन ले लेते हैं, टोलीन ले लेते हैं, उसकी हम करवाते हैं हाइलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे ये टोलीन था, इसकी मैंने हाइलोजिनेशन करवाई Cl2 सनलाइट की मौजूदगी में, यहाँ से दो हाइड्रोजन बाहर आते हैं और दो क्लोरीन इसके साथ आके लग जाते हैं, रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। फिर ये जो जर्मिनल डाइहैलाइड मिल जाता है इसकी फिर हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, H2 और NH मैंने लिखा हुआ है, बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जब बेसिक हाइड्रोलिसिस इसकी करवाते हैं तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें दो OH नेगेटिव ग्रुप देती हैं।
अब यहाँ से जो जर्मिनल डाइहैलाइड होता है, इसमें जो क्लोरीन होता है ये वाला, ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ये आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकते हैं। ये दो ओ एच नेगेटिव, एक इधर से आता है, एक इधर से आता है, एक ओ एच इधर से आता है क्लोरीन को हटा के उसकी जगह ले लेता है, ओ एच लग जाता है, एक ओ एच यहाँ से आता है क्लोरीन को हटा के खुद उसकी जगह ले लेता है, रिजल्ट में आपके पास ये वाला कंपाउंड जो होता है वो बन जाता है। अब जैसे ये कंपाउंड बनता है, इसमें एक ही कार्बन के ऊपर दो ओ एच ग्रुप अटैच है, ये बहुत अनस्टेबल होगा, ये फौरन अपने आप के साथ ही इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और अपने में से वाटर को रिमूव कर देगा। वाटर की रिमूवल कैसे होगी कि ये मैंने बताया हुआ है इसको सर्कल करके कि ओ एच और यहाँ से एक एच निकलेगा तो माइनस एच टू हो जाएगा और ये ऑक्सीजन सी एच ओ के साथ ही अटैच है तो आपके पास ये वाला ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ आके लग जाता है, तो आपके पास ये जो होता है वो एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाता है। सी एच ओ ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो उसको एरोमेटिक एल्डिहाइड का हम बेसिकली नाम दे रहे होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अ गैटरमैन कोच रिएक्शन। हम गैटरमैन कोच रिएक्शन को पढ़ते हैं, इससे भी एरोमेटिक एल्डिहाइड बनते हैं। अब गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, उस एरोमेटिक कंपाउंड का कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। इन दोनों गैसेस को हम एरोमेटिक कंपाउंड में से पास करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl2 इज यूज एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में इनका रिएक्शन होता है। रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में पहले रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद एक इलेक्ट्रोफाइल बनाती हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल होता है CHO। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये CHO पॉजिटिव हमें मिलता है, फिर ये CHO जो होता है फिर ये इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैक करता है किसी कार्बन के ऊपर, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है, रिजल्ट में ये कंपाउंड बन जाता है और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ से क्लोरीन बचा होता है, ये दोनों मिलकर आपके पास HCl जो होते हैं वो बना देते हैं, तो ये कहलाता है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये दूसरा मेथड आता है एरोमेटिक एल्डिहाइड को बनाने का। अब आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर, वो भी है जी गैटरमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन एक ही साइंटिस्ट के हैं, ये जो गैटरमैन रिएक्शन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि इसी रिएक्शन को मॉडिफाई किया है। इस रिएक्शन में हमने CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इस्तेमाल किया था, लेकिन जो नया रिएक्शन गैटरमैन आ रहा है इसमें CO की जगह के ऊपर हम किसी और गैस को इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पास आती है जी HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं, उसमें HCN और HCl का दोनों का मिक्सर इस एरोमेटिक कंपाउंड में से पास करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ZnCl2 की मौजूदगी में, तो हमें एल्डिहाइड मिलता है। रिएक्शन बेसिकली कैसे होता है, सब थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो हाइड्रोजन साइनाइड होती है ना, ये एक इन सीचू कंपाउंड कहलाता है। इन सीचू का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसको एन मौके के ऊपर तैयार किया जाता है। तो HCN बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, फौरन डिकम्पोज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। हम क्या करते हैं, इसको एन मौके के ऊपर तैयार करते हैं और इसको तैयार बेसिकली किया जाता है, बनाया जाता है HCN और NaCN, इन दोनों की मदद से हम HCN को बनाते हैं। जब ये HCN बन जाता है, फिर HCN को ले लेते हैं, बेंजीन रिंग को ले लेते हैं, HCN को ले लिया और HCl को ले लिया, ZnCl2 को कैटलिस्ट के तौर पर ऐड कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें बेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगी। बेंजीन के साथ रिएक्शन करने से पहले ये दोनों क्या करती हैं, आपस में रिएक्ट करती हैं। आपस में कैसे रिएक्ट करती हैं, HCN और HCl आपस में रिएक्ट करती हैं। HCl हमें पता है कि ये एक एसिड है, ये हमें आपके पास H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पे HCN को देखूँ तो HCN की मैंने ये वाली स्ट्रक्चर लिखी हुई है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये HCN की मैंने स्ट्रक्चर लिखी हुई है। एसिड क्या करता है, हमें एक H प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा इस H को यहाँ पर गेन कर लेगा, इस H को अपने साथ अटैच कर लेगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आगे लग जाएगा तो रिजल्ट में ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड और NH बन जाएगा और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन के लोन पेयर इस्तेमाल हो गए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। अब ये एक तो ये इसकी स्ट्रक्चर है कि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ पर मुझे ट्रिपल बॉन्ड वाला तीसरा बॉन्ड होता है, इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेता है। जैसे ही पुल करेगा तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा, कार्बन की वैलेंसी अब कम हो गई, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, मतलब कि ये वाला कंपाउंड बन गया। अब ये वाला कंपाउंड एक इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैक करेगा और यहाँ से एच को बाहर निकालेगा और खुद इसकी जगह पे आके लग जाएगा, ऐसे जैसे ये लग गया आके, ये आपके पास यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा, ये इमीन बन गई है, इसको इमीन का नाम देते हैं। फिर इसके अगले स्टेप के अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करो, ये वाटर के साथ रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये रिएक्शन में पहले भी पढ़ा हुआ है कि यहाँ से ये NH और यहाँ से दो हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर हमारे पास NH3 बना देते हैं और यहाँ से जो एक ऑक्सीजन बची होती है NH की जगह के ऊपर आगे लग जाती है, ये बन जाएगा CHO,
तो ये आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो आपके पास बन जाता है, ये कहलाता है गैटरमैन रिएक्शन। और ये हमने पढ़ा था गैटरमैन कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन में हम CO को इस्तेमाल करते हैं, गैटरमैन रिएक्शन में हम HCN को इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं सेवन्थ के ऊपर, जो अगला रिएक्शन आता है वो आता है राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन जो है ये हमने फिनोल वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, हम फिनोल ले लेते हैं, इसका मैकेनिज्म हमने वहाँ पर डिटेल से देखा, हम इसका सिर्फ सिंगल लाइन वाला रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म हमने वहाँ से करना है। फिनोल ले लेते हैं, फिनोल का हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ एट 70 सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाता है। हमें पता है कि फिनोल एसिडिक होता है, ये आसानी से अपना एक एच दे देता है, जैसे ही आसानी से एक एच देता है फौरन यहाँ से Na इस एच की जगह के ऊपर आके लग जाता है और आपके पास ये सोडियम या आपका स्फेनोक्साइड बन जाता है, ये आपका स्फेनोक्साइड बन जाता है। जैसे ही स्फेनोक्साइड बनता है ये जो पीछे CHCl3 और जो पीछे ये वाला आपके पास OH बचा होता है ये दोनों मिलकर एट 70 सेंटीग्रेड ये मिलकर हमें दे देते हैं जी CHO, ये हमें CHO प्रोवाइड करते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल, ये हमें CHO देते हैं। फिर ये वाला जो CHO ग्रुप होता है ये बेंजीन रिंग के यहाँ ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आके अटैक करता है और ये वाला कंपाउंड बन जाता है। अब जैसे ये कंपाउंड बनता है फिर इसके हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, H पॉजिटिव H2O मैंने लिखा है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में पता है कि एक H पॉजिटिव इस Na की जगह के ऊपर आके लग जाएगा, Na यहाँ से निकल जाएगा और H इसकी जगह के ऊपर लगेगा तो OH बन जाएगा, CHO ग्रुप ऐसे ही आ जाएगा, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होती है बेंजल्डिहाइड हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब ये इतने मेथड थे एल्डिहाइड के, एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। अब हम आते हैं तीन मेथड आपके पास मजीद हैं एरोमेटिक कीटोन्स को बनाने के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ उससे एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं, उससे आपके पास क्या होता है कि एल्डिहाइड के लिए नहीं है, वो सिर्फ मखसूस है एरोमेटिक कीटोन्स के लिए या कीटोन्स के लिए सिंपल भी। तो सबसे पहले आता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इस रिएक्शन को भी अपने बेंजीन वाले चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ है, हम यहाँ पे इसका सिंगल लाइन वाला रिएक्शन देखते हैं कि बेंजीन है, अगर हम बेंजीन का एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी लीवस एसिड तो हमारे पास एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं। कैसे होता है, ये बेंजीन रिंग है, RC डबल बॉन्ड और CL इज अ एसिड क्लोराइड और AlCl3 इज अ लीवस एसिड, तो इनका रिएक्शन करवाते हैं। पहले ये आपके पास ये वाला कंपाउंड और ये कैटलिस्ट दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल बना के देते हैं और वो इलेक्ट्रोफाइल आपका बेसिकली जो होता है वो होता है जी C डबल बॉन्ड OR, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हमें दोनों बना के देते हैं, ये दोनों चीज़ें। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है ये फौरन बेंजीन रिंग के ऊपर आके अटैक करता है, यहाँ से एक H को बाहर निकालता है और ख़ुद ये वाला ग्रुप इस बेंजीन रिंग के अंदर आके लग जाता है यहाँ पे, जो यहाँ से एक H बाहर निकलता है वो CL के साथ मिलकर आपके पास HCl बना देता है, तो ये आपके पास एरोमेटिक कीटोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसका मैकेनिज्म एरोमेटिक कंपाउंड में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं 9 के ऊपर, वो है जी बाई एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन टू नाइट्राइल्स, कि हम नाइट्राइल्स वाला कंपाउंड लें उसके अंदर ग्रिग्नार्ड रीजन को ऐड कर दें तो उससे आपके पास जो होता है वो आपके पास कीटोन्स बनते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रीजन का हमें पता है RMGBR को ग्रिग्नार्ड रीजन कहते हैं, RMGR में जो R होता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और MG के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये ग्रिग्नार्ड रीजन है। फिर इस नाइट्राइल्स के ऊपर आते हैं, नाइट्राइल्स में यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन और नाइट्राइल्स के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, जो इसका ये नेगेटिव पार्ट होता है वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करता है, इस R के ऊपर हम R- लिख देते हैं। जैसे इसके ऊपर आपके पास आके अटैक करता है तो आपके पास इस ये R ग्रुप इस C के साथ आके लग जाएगा और C के साथ जब जैसे ही जाके लगेगा कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, कार्बन का ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर फुली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव आएगा जो MgBr वाला ये वाला हिस्सा होता है ये फौरन इस N के साथ आगे लग जाएगा, तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है सबसे पहले इस R ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये R आपका यहाँ पे आके लग गया। फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, जैसे नेगेटिव आया उसने MgBr को भी अपनी तरफ अटैक कर लिया तो MgBr इसके साथ आके यहाँ पे आके लग जाता है। अब अगले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अगले स्टेप के अंदर इसी कंपाउंड के हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में आपके पास क्या होता है कि जो MgBr होता है इसके ऊपर पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आपके पास जो होता है वो चार्ज होता है। MgBr क्या करता है, अपने में से ये जो पानी होता है इसमें से OH के साथ मिल जाता है और OH के साथ मिलकर यहाँ से आपके पास माइनस हो जाता है और रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड जो होता है अमीन आपको जो होती है वो मिल जाती है। अब जैसे ही आपको यहाँ पे अमीन मिलती है इसका फिर से हम इसका पानी के साथ वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ से ये जो N होती है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है और इसकी जगह के ऊपर आपके पास ऑक्सीजन जो होती है वो लग जाती है और आपके पास ये वाला कंपाउंड आपके पास कीटोन जो होते हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं। अब आपके पास आता है लास्ट रिएक्शन, वो आता है जी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, के कार्बोक्सिलिक एसिड से भी जो होता है हम वो आपके पास कीटोन जो होते हैं वो बनाते हैं।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें जनरल फार्मूला पता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ एच हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। इसका हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल लिथियम के साथ, अल्काइल लिथियम के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो ये सिंपल एक एसिड बेस वाला रिएक्शन है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड होता है, ये हमें पता है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये हमें एक एच प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पे जो आपके पास आर होता है, आर के ऊपर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है और लिथियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे सिंपल एक एसिड बेस रिएक्शन होता है, यहाँ से आपके पास ये वाला एच जो होता है यहाँ से रिमूव होता है और इस आर के साथ मिलकर आपके पास यहाँ पे आर एच जो होता है वो बन जाता है, यानी कि अल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ से जो आपके पास एल आई होता है, जैसे ही यहाँ से एच निकलता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, जैसे ही नेगेटिव आएगा ये एल आई इस ओ के साथ मिल जाएगा और आपके पास ये वाला कंपाउंड जो होता है वो आपके पास बन जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है वो आपके पास साल्ट बन जाता है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो साल्ट बना होता है ये फौरन एक और आर एल आई एक और अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करता है और सेम वही रिएक्शन होता है। अब वो रिएक्शन कैसे होता है कि यहाँ पे जो कार्बन होती है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होती है और आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, ये जो आर वाला ग्रुप होता है ये आपके पास फौरन अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, रिजल्ट में कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, इसको अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा लिथियम फौरन इस नेगेटिव के साथ आगे लग जाएगा और आपको ये वाला कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है। अब ये कंपाउंड मिलेगा, अगले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसको फिर पानी के साथ इसका हाइड्रोलाइज करवाया जाता है, पानी के साथ इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमें पता है कि जो लिथियम होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये आसानी से यहाँ से रिमूव हो सकता है। पानी क्या करता है, दो OH को प्रोवाइड करता है, दो OH देता है, एक OH इस लिथियम को हटा देगा, दूसरा OH इस नीचे वाले लिथियम को हटा देगा और खुद उसकी जगह के ऊपर आके लग जाएगा और आपके पास ये वाला कंपाउंड जो होता है वो बन जाता है। अब यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये अनस्टेबल होता है, ये अपने में से वाटर को रिमूव कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, तो ये क्या करता है अपने में से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को निकाल देगा, रिजल्ट में आपके पास ये वाला जो होता है वो कीटोन्स बन जाता है। तो ये जो तीन मेथड्स आते हैं ये है कीटोन की फॉर्मेशन के लिए, और जो इसे पहले हमने पढ़े हैं 7 मेथड वो आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के लिए आते हैं।